गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग एक नए टॉपिक, नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम आपको आज ये नए चैप्टर में पढ़ाएंगे, वैद्युत चालन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको आप लोग लास्ट तक वीडियो देख करके पूरा नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, वैद्युत चालन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम लोग के चालन की क्रिया होती है, ये हमारे जो पदार्थ होते हैं, ये तीन तरह से पार्टों में बांटे गए हैं। तो सबसे पहले ये चालन की क्रिया किस में पॉसिबल है, किस में हो सकता है, किस में चालन की क्रिया नहीं हो सकती है, हम लोग पहले ये देखते हैं। तो जो हमारे पदार्थ होते हैं, वो वैद्युत प्रवाह के लिए तीन पार्टों में बांटे गए। पहला जो हम लोग का होता है उसको बोलते हैं चालक, दूसरा होता है अचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। देखिए, चालक हमारे कौन से पदार्थ होते हैं, वे हमारे चालक, इसी को बोलते हैं कंडक्टर, ये हमारा अचालक होता है इंसुलेटर, और अर्धचालक को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसके बहुत ग्रेटर होते हैं, तो ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा बहुत सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, तो उस पदार्थ को क्या बोला जाता है, चालक। आप सिंपल कह सकते हैं, वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तथा वैद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, वैद्युत चालक कहलाते हैं। दूसरी चीज़ आती है जो अर्धचालक होते हैं, तो वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर पदार्थ में कम है, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, अचालक, यानी कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं हो पाती है, उन पदार्थों को कहते हैं अचालक। तीसरा देखिए आपको मिल रहा है जो अर्धचालक, अर्धचालक क्या है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम लेकिन अचालक से अधिक होती है, वे पदार्थ हमारे कहलाते हैं क्या, अर्धचालक। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे क्या है, ये हमारे अर्धचालक की तरह बिहेव करते हैं, कि इसमें कभी करंट, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन मिल प्रेजेंट रहते हैं, कुछ जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कभी करंट फ्लो करा देता है, कभी करंट इसमें रुक जाते हैं। और अचालक में जैसे आप लकड़ी ले लीजिए, प्लास्टिक ले लेते हैं, या फिर आप कांच ले लीजिए, ग्लास ले लेते हैं, तो ये सब हमारे पदार्थ कैसे होंगे, अर्धचालक। तो आप इसमें एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं, जैसे लकड़ी, दूसरा प्लास्टिक हो गया, या कांच ले लीजिए आप, ये सब हमारे क्या हो गए, अर्ध, ये अचालक हो गए। चालक में आप ले सकते हैं एल्युमिनियम ले लेते हैं, और कॉपर ले लेते हैं हम लोग, ये सब हमारे क्या है, सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, ठीक, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब चालक हमारे होते हैं। तो आप इन चीज़ों को क्लियर कंफर्म कर लीजिएगा, चालक हमारे क्या हैं, जो सुगमता से वैद्युत धारा को प्रवाहित कर लें, अचालक क्या होते हैं, जो सुगमता से वैद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं, और अर्धचालक क्या होते हैं, जो हम लोगों के जिनमें जिनकी चालकता चालक से कम लेकिन अचालक से अधिक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धचालक। अब देखते हैं कि जो चालक में करंट धारा प्रवाह होता है, वो किसके थ्रू होता है, तो आप पता है इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त मॉडल, इलेक्ट्रॉन का मुक्त मॉडल। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी आप पदार्थ को ले लीजिए, तो उसमें क्या मिलते हैं, हमारे न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, जिसमें हमारे धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसे मोशन करते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, वृत्तीय कक्षाओं में। तो जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के एकदम से पास में होते हैं, इन पर जो वैद्युत बल होता है, तो वैद्युत बल का फार्मूला क्या होता है, वन एफ इक्वल टू वन बाई फोर पाई एफ साइलन जीरो क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर,
देखिए जो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो गया, तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जो इसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन काफ़ी पास होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या, वी बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो हमारा एफ आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के, मीन्स अगर डिस्टेंस हमारा डिक्रीज किया तो फोर्स क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, यानी कि दूरी अगर कम हुई तो उस समय बल की वैल्यू क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के एकदम से पास में होते हैं इनमें फोर्स या ऑफ अट्रैक्शन यानी ये कूलाम फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जो आउटर सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका डिस्टेंस काफ़ी ग्रेटर हो जाता है, तो डिस्टेंस ग्रेटर हुआ तो फोर्स क्या हो गया, वीक हो जाएंगे। तो फोर्स वीक हुआ तो इजीली हम लोग थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस इलेक्ट्रॉन को इस सब्सटेंस से फ्री कर सकते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए अब क्या हुआ, जो चालन की क्रिया होगी पदार्थ में इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के थ्रू होगा, तो चालन की क्रिया कराने के लिए किसी पदार्थ में, आप ऐसे कह सकते हैं किसी पदार्थ में चालन की क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि चालन की क्रिया किसी पदार्थ में किसके थ्रू होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चालन की क्रिया होती है। एक चीज़ यहाँ से कन्फर्म हो गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये आप चीज़ याद रखिएगा, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर बाहरी कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हमारी चालन की क्रिया होती है। तो किसी भी पदार्थ में जो चालन की क्रिया होती है वो किसके थ्रू होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो ये जो चालन की क्रिया होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवाहित होते हैं, इसमें इससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से हम लोगों को क्या मिलता है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ये प्रवाहित होते हैं इनके प्रवाह से, जो हम लोगों के आवेशों के प्रवाह से जो एक फिजिकल क्वांटिटी आती है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। तो आप सिंपल यहां इसको डिफाइन कर सकते हैं, वैद्युत धारा। तो अब आप देखिए जो हमारे चालक में पदार्थ में आवेशों का प्रवाह हो रहा है, तो आवेश हमारे कौन से हैं, वही हमारे मुक्त क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंबल ई देते हैं, इसी को हम लोग क्यू से कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाम लिया जाएगा तो क्यू की जगह क्या यूज करेंगे, सिंबल ई। और ई की वैल्यू होती कितनी है, इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अब आप यहाँ जरा देखिए वैद्युत धारा क्या होगा, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए अब आप यहां देखिए I इक्वल टू क्या हो गया हमारा फार्मूला, Q बाई टी, यहां से सिंपल आ गया। अब यूनिट आप यहां से अगर निकालिए तो आई इक्वल टू क्यू की यूनिट कूलाम और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर। इस चीज को आप याद रखिएगा इसका। अब दो थोड़ी सी यहाँ बात करिए तो क्यू इक्वल टू फार्मूला इससे क्या हमारा आ गया, आई इंटू टी। देखिए धारा प्रवाह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का रोल होता है,
किसी चालक में, तो यही इलेक्ट्रॉन धारा उतनी ज़्यादा प्रवाहित होगी किसी पदार्थ में जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होंगे। तो यही हमारा क्यू बराबर फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई के। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन, इसी का अभिविन्यास होता है। और देखिए यहाँ पे एन ई इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, आई इंटू टी से। तो यहाँ से हम लोग अब कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एन हमारा है क्या यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इनकी थोड़ी सी दिशा और राशि की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होती है, जो हमारे आवेश धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाह के लिए रोल किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह किधर होगी, तो इसका मतलब धारा का प्रवाह की बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन धन आवेश की दिशा में चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर हो गई, धन आवेश की ओर। धनात्मक आवेश की ओर हो गई दिशा, ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की दिशा। अगर हम लोग दिशा की बात करते हैं, दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो धारा प्रवाह की दिशा होगी वो कहाँ होगी, इसके इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि धारा की दिशा आप बात कर सकते हैं, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की चलने के विपरीत दिशा में होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है जो धारा की दिशा होती है हमारी, वो धारा की दिशा हमारी किधर होगी, तो धारा की दिशा हमेशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, यानी आप सिंपल कह सकते हैं धन आवेश की दिशा में। तो या आप ऐसे याद रखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहना भी आसान है, कि जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में होती है। तो ये तो धारा की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये धारा की दिशा होती है, ये तो हो गया हमारा किधर, धन आवेश के चलने के विपरीत दिशा में आ गए। तो राशि कैसी है ये हमारी, देखिए धारा जो हमारी प्रवाहित होती है, तो किसी भी वायर को आप ले लीजिए, अगर एक वायर में करंट इधर फ्लो कर रहा है, इससे कई कनेक्टेड वायर ऐसे अगर जुड़े हुए हैं, तो इधर भी करंट फ्लो करेगा, इधर भी करंट फ्लो